पिछले साल भी लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव टाले गए थे। कई राज्यों में पंचायत चुनाव भी कोरोना की वजह से ही टाले गए, लेकिन अब सवाल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे चुनाव आयोग से चुनाव टालने की मांग कर दी है। अगले हफ्ते चुनाव आयोग यूपी के दौरे पर भी आने वाला है, और अब सवाल चुनाव आयोग के सामने है, वो कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए क्या फैसला लेगा। साथ ही सवाल यह भी है कि चुनावी रैलियों को लेकर क्या किया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव तय समय पर नहीं होंगे? क्या कोरोना की तीसरी लहर 2022 में तांडव मचाने वाली है? ये सवाल इस वजह से खड़े हो गए हैं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव टालने का अनुरोध कर दिया है। मैं कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन, कि अगर जरूरत समझा तो महीने दो महीने के लिए इलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। तो कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली से यूपी तक बैठकों का दौर तेज है। यूपी की योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कई अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते शनिवार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। कोरोना फिर रफ्तार पकड़ रहा है और इसका असर यूपी चुनाव पर भी हो सकता है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव टालने के साथ साथ ये भी अनुरोध किया है कि राजनीतिक दल जो भीड़ जमा कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि अगर ऐसा हो गया तो विरोधियों का मोर्चा खोलना भी तय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस अनुरोध को ही असंवैधानिक बताने लगी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबरा कर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। कोविड नियमों का पालन करते हुए कोई भी रैली मीटिंग उचित है, लेकिन नियमों का पालन किया जाए, दूरी बनाए रखा जाए। पूरा कोविड काल में ही तो बंगाल का चुनाव हुआ, जो संवैधानिक बाध्यता है। चुनाव पंचायत चुनाव हुआ, संवैधानिक बाध्याकरण से हुआ। चुनाव टालने की बात असंवैधानिक। हाई कोर्ट ने चुनाव रोकने का अनुरोध इस वजह से किया क्योंकि उसे पता है कोरोना ने अगर बैरियर तोड़ा तो अंजाम क्या होगा। दूसरी लहर के दौरान देश और उत्तर प्रदेश ने क्या झेला था ये भी सबको अच्छे से याद है, लेकिन चुनाव रोकने पर फिलहाल कोई भी दल सहमत नहीं दिख रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। गाइडलाइन का जो भी पालन होगा उत्तर प्रदेश में हम करेंगे। वैक्सीनेशन के मामले में हम बहुत हमारी उत्तर प्रदेश ने बहुत सफलता पाई। और जनता अध्यक्ष जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल टिप्पणी की है कि चुनाव को लेकर राय दी है उन्होंने कि चुनाव होना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है? कोरोना को पहले भी हल्के में लिया गया था और एक बार फिर ऐसा ही दिख रहा है। जिन लोगों को लगता है कोरोना अब लौट कर नहीं आएगा, वो कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल की चेतावनी सुन ले। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। एक तरफ कोरोना का डर है और दूसरी तरफ विधानसभा के आगामी चुनाव। हालांकि चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नेताओं की रैलियां बता रही हैं कि यूपी में सियासी माहौल कितना गर्म है। सीएम योगी ने जब बहराइच में जनसभा की तो रैली की भीड़ देखकर गदगद हो गए। सड़क पर बहुत बड़ी संख्या खड़ी है, सभी लोग हाथ उठा करके मुझे बताइए। विधानसभा के चुनाव यूपी के साथ साथ 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर खतरा इस वजह से बड़ा है क्योंकि आबादी के लिहाज से ये प्रदेश कई देशों से भी बड़ा है। सवाल बड़ा ये है कि दूसरी लहर का दर्द झेलने वाला उत्तर प्रदेश तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है, और क्या चुनाव
जान से भी ज्यादा जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।